अपनी जो ट्रेन है वो आ गई है, धीरे धीरे पहुंच रही है और इसी से मैं जाने वाला हूँ उज्जैन के लिए और महाकाल के दर्शन के लिए। तो ये ट्रेन है जो मुझे पहुंचाएगी उज्जैन और ये है शिप्रा एक्सप्रेस, लाल वाली ट्रेन कनेक्टिंग को और काफ़ी स्पीड में चलते हैं आगे की तरफ। आई थिंक कोच है, A1 कोच है और सेकंड AC है, चलते हैं। वो मेरा दूर चला गया A1 कोच, एकदम आगे जाना पड़ेगा, तो जल्दी से बैग उठाता हूँ, इतना ही बैग नहीं है यदि है। अपना कोच इतना आगे है कि चलते 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 एकदम आगे पहुंच गए हैं, कहीं ट्रेन ना निकल जाए। और मैंने अभी तक चेक नहीं किया है कि मेरा कौन सा सीट नंबर है। सुबह सुबह के लगभग बज रहे हैं अभी 6:30, आधा घंटा ट्रेन हो चुकी है लेट और इसका डोर है क्लोज। ये एक बड़ी समस्या होती है अगर ट्रेन का डोर क्लोज होता है, हालांकि दूसरा वाला ओपन है। तो जल्दी से देखता हूँ सीट कौन सी है। मैसेजेस ये रहा दूसरा वाला टिकट A1 14 नंबर। उज्जैन में पहुंच चुका हूं, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा स्टेशन है और बात अगर करते हैं टाइमिंग की तो पहुंचा दिए ठीक ठाक, राइट टाइम से पहले बिफोर पहुंचा दिए। और दूसरी बात, बहुत गहन सोच वोच में करके मैं ये पूरी जर्नी की पूरा चिंतन किया मैंने ट्रेन में और थोड़ी सी स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह की। बाय द वे चलते हैं होटल की तरफ और देखते हैं कैसा है होटल। हाँ दिखाता हूँ स्टेशन भी। उज्जैन के रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे तो लाइटिंग तक नहीं है, तो आपको बाहर निकलने में थोड़ा सा डर जरूर लगेगा। हाँ बारिश यहाँ पे हो रही है, महाकाल की नगरी में। मतलब मैंने क्या सोचा कि 1.5 किलोमीटर ही है स्टेशन से, तो पैदल ही चल लेते हैं, बस 20-30 रुपए बच जाएंगे, क्या जाता है, पानी पूरी खा लेंगे। इंडिया में कुछ मिले ना मिले भाई, ये ऐसी जगह है जहाँ सब पहुँच जाते हैं। दर्शन तो सुबह होगा लेकिन अभी ही मैं पहुंच गया हूं क्योंकि पास में ही होटल है और जय महाकाल यही बोलना था। सुबह आते हैं। तो कैमरा निकालते ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई थी और ये रहा रूम, ट्रिपल बेड इन्होंने दिया है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने पूछा मतलब ट्रिपल क्यों, तो कहते हैं यहाँ ट्रिपल ही मिलता है और या फिर 4 करेगा, डबल बेड यहाँ पे कम ही मिलता है। और ये रहा बाथरूम और ठीक ठाक सा रूम है। और बाकी पैसे वैसे की बात की जाए तो भाई 3 लोगों के हिसाब से तो ठीक है, पर कभी यही सब मिला करते थे 700-800 रुपये में और आज की डेट में भाई 1400 रुपये हो चुका है। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है होटलों के रेट की, लेकिन क्या करें भाई, घूमना है तो खर्च भी करना पड़ेगा ना। और बाकी स्टे करते हैं और 3 लोग रहेंगे तो वैसे सस्ता पड़ेगा, 500 रुपये पर हेड पे आएगा। कभी मैं याद करता हूँ, कभी मैं ही रहता था 500 रुपये में रह लेता था, ठीक है ये भी
आजकल ज़्यादा देना पड़ता है, तीन लोग आ जाते तो हो जाता, दो लोग फिलहाल आए हैं, मेरा एक दोस्त आ रहा है वो भी मैं आपको मिलाऊंगा आगे वीडियो में। अब ये होटल वाले क्या क्या दिए, क्लिनिक प्लस, वाव क्या बात है, वाव क्लिनिक प्लस, क्लिनिक प्लस मिला है भाई, मेडी मिक्स, और इन सबसे सबसे बढ़िया बजाज का आलमंड ऑयल जो कि मैं लगाता ही नहीं हूँ। ये काम किस लिए आता है हर कोई जानता है, कितने रुपए का है, 3 रुपए का ये सोप है, किस काम में आता है हर कोई जानता है, नहाने के काम में तो नहीं आता है बिल्कुल भी। कुछ पेट पूजा तो करनी चाहिए ना, बनता है। बाप रे कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, क्या लिखा है, चेकआउट सुबह 9 बजे, चेक इन सुबह 10 बजे, लंच डिनर, डिनर में ये वाली मात्रा होनी चाहिए छोटी की, रूम में करने की अनुमति नहीं है, चेकआउट के समय के बाद 2 रुपये, नहीं 200 रुपये प्रति घंटा, चेकआउट के बाद रूम चेक करना, टूट फूट, यहाँ पे भी मात्रा गलत है, जवाबदारी स्टेट, घूम रूम की कार्ड घूम होने पर, वाव घूम ये प्रतिबंधित है, ध्यान रखें, बाय द वे बंद करते हैं चलते हैं, बंद हो गया, अब देखते हैं। वो ये काम सबसे अच्छा है, पर ये लिफ्ट किस दुनिया में है, अभी 0 पे है, मैं बैठा हुआ हूँ इस समय 4 नंबर पर, तब तक कुछ टाइम पास ही कर लेते हैं गलियारे में। यहाँ पर रूम के मतलब ये चीज़ें तो अच्छी लग रही हैं, मतलब पूरी जो सराउंडिंग है, गलियारा वगैरह है, रूम अच्छा है, मतलब होटल की। अभी तक 3 पे पहुँची है, लेट्स सी कितना टाइम लगता है, आपका 1 मिनट मैंने लगा दिया इसकी वजह से, इस लिफ्ट की वजह से, खुल जा भाई कोई होगा अंदर, कोई नहीं है, हाँ हाँ 0 पे चलते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए कैमरा बंद करते हैं और नीचे पहुँचते हैं जल्दी से। तो सो जाता हूँ मैं, सुबह लगभग 4 बजे ही उठना है, 4 बजे इसलिए उठना है क्योंकि मेरा फ्रेंड है वो आ रहा है, और उसके साथ ही आगे की जो ट्रिप होगी ये वाली वो सारी होगी, तो अभी सोते हैं, लगभग 1 बज गए हैं, तो 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे में उम्मीद है अपनी नींद पूरी हो जाएगी। वैसे ट्रेन में था तो ट्रेन में तो सारी चीज़ें पूरी हो गई थी, नींद वींद सब मज़ा आया था, लेकिन अभी सोना भी ज़रूरी है क्योंकि कल पूरा दिन वर्क वगैरह, वर्क मोड ऑन रहेगा, और सब जगह जाना है, महाकाल टेंपल में और भी जो यहाँ के प्लेसेस हैं तो कवर होंगी, देखते हैं। बाकी अपने दोस्त से मिलाता हूँ आगे, 4 बजे सोता हूँ, गुड नाइट। कैसा रहा, रिश्मीत आ चुका है और बड़े ही कष्ट के साथ आया है भाई, स्टोरी तो पूछिए मैं तो जैन की, वैसे उज्जैन भगवान का दरबार है, बट यार यहाँ पे फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा उज्जैन का, वो भी बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, मतलब ये बंदा 250 मीटर करीब आके फिर उसके बाद 1.5 किलोमीटर दूर गया और ऑटो वाले मस्त इसको घुमाए उज्जैन का टूर करा दिया। दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, कि मैं खुद किसी को बोलता था कि कभी कभी ऑटो वाले क्या करते हैं, वो आपको पास की चीज को दूर घुमा के, और सेम आज मेरे साथ हो गया, तो इसके लिए क्लैपिंग अब नहीं होगा कभी पर मजा आया, सुबह 4 बजे पूरा उज्जैन घूम चुका है, अब आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब ठीक है, मजे करते हैं बाय द वे, और सुबह फिर मिलेंगे। सुबह के 8 बजे आपका ट्रैवलर टॉम रेडी हो चुका है, अश्मीत भी रेडी है, थोड़ी बहुत और तैयारी बची है, फुल हर हर महादेव, हर हर महादेव, और चश्मा वश्मा लेके तैयार हो चुका है, मैं भी कुछ मेरे पास तो नहीं है, पर कोई बात नहीं है ब्रदर, है पर अभी नहीं लगाएंगे, अभी महाकाल के सामने चश्मा नहीं, खुली आंखों से देखेंगे, नंगी आंखों से, अब तो मैं भी वैसे ही करूंगा और अभी कुछ खाते हैं, बैग तो वैसे ही ले लिया है, पर अभी एक पंडित जी आ रहे हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे। बड़ी मेहनत से ये लिफ्ट हम लोगों ने चलाई है, मतलब बटन को दबाए हुए दबाए हुए दबाए हुए फिर चल रही है, फाइनली खुल गई, खुल गई। चाय के लिए बंदा स्ट्रगल कर रहा है कब से, चाय के प्रेमियों का यही हाल होता है, आधा पोया खत्म हो गया, इसलिए मैं कहता हूँ चाय नहीं पीना चाहिए ज़्यादा, चाय जहरीली होती है, जहर होता है चाय, बट आज के लिए चाय बहुत जरूरी है क्योंकि बारिश के साथ पोहा पोए के साथ, अरे मैं नहीं पीता चाय, नहीं पीते, नहीं सच सच में नहीं पीता,
बंदे को नहीं मालूम है, अभी पहली बार घूम रहा है मेरे साथ। कोई ना यार, मैं पी लूँ। हाँ पी लेना। ये अपना पोहा चाय। चाय पीने का मन तो इतना सा नहीं था, लेकिन इसकी वजह से मेरे को पीना पड़ रहा है। चाय का पर टेस्ट अलग टाइप का है थोड़ा, यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाय के शौकीन हैं, अलग अलग चाय पीने के। थोड़ा ही लगा ना उसके नाम पे, महाकाल लिख देना, लिखाएगा ना। हाँ लिख दो लिख दो लिख दो। हाँ पूरा छाप दो माथे पे। जय महाकाल, महाकाल के रंग में रंगना है। सही है, वाह क्या डिजाइन बनेगा। अरे कर ले रहा हो गया। महाकाल जी के दर्शन मैंने कर लिए हैं, और दर्शन चूँकि पेड़ था तो आसानी से हो गया। अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो आपको घर घर में जाने नहीं दिया जाता है। अब इस पर मैं क्या ही आपको बोलूँ, आप ही कमेंट में बताना, जो भी आप बताना आपकी मर्जी है। किया ना ये अच्छा हो गया है ना। क्या करना चाहिए दिन भर में? दिन भर में जो छूट है ना, हाँ। एक अच्छा काम कर सकते हो आप, भगवान अच्छा। ने दिया, और एक बुरा भी कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं। अच्छा, जैसे भाई ने 20 रुपए आज कम किए तो भाई का एक अच्छा काम हो गया। दिन में अगर एक बार बुरा करोगे तो माफ है। सॉरी, आप अगले दिन फिर बुरा कर सकते हो। कर सकते हो, माफ है, लेकिन एक अच्छा भी तो करना पड़ेगा तब माफ है। ऐसा नहीं खाली बुरा किए जाओ। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज हमने आज चोरी किया 10 रुपए, कल भी चोरी किया 10 रुपए, फिर अगले 2 दिनों तक 10-10 रुपए मतलब दे दिए, वो हो जाएगा कि नहीं? तो आप ये बताओ, 10 रुपए सुबह कर रहे हो तो आपको 10 रुपए मतलब आप एक दिन में नहीं कर रहे हैं, अगले दिन वाले में कर रहे हैं। तो भाई पुण्य भी तो करना है, शाम को देना भी तो है किसी को। शाम को नहीं करेंगे, अगले दिन करेंगे। नहीं नहीं वो माफ नहीं। अच्छा, दिन दिन वाले नहीं किया था तो उन्होंने। सिस्टम ये है, समझ लो आप लोग अच्छे से। मैंने कहा भाई पानी में चल जाती है। चलती है, हाँ चलेगी। KTM में कुछ भी कर सकती है, KTM कुछ भी कर सकती है, उड़ भी सकती है। अरे उड़ भी सकती है भाई। अरे देखो भाई कुछ भी कर सकती है, इसको कहते हैं एक्सीडेंट। कुछ भी कर सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि गिरेगी नहीं। लाइट एक्सीडेंट।